दूसरा हाफ है, एक मौका है। राहुल के नाम से जो कि येलो फ्लैग की जैसे नजर आ रहे हैं, वही स्काई कलर के जैसे में राहुल के नाम से यहाँ जाता हुआ संबलपुर की तरफ से बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश राहुल कला अच्छी की खिलाड़ी थे, लेकिन उतनी अच्छी इंटरसेप्शन के जरिए यहाँ पर बल को चुना अपने कला के साथ, यहाँ पर दो खिलाड़ियों को छकाया पूरी तरह से संबलपुर एफसी की जो खिलाड़ी संबलपुर एफसी बोल बनाने की कोशिश इस बार पांच लोग फ्लैंक से जैसे नंबर 12 के पास बॉल अंदर की तरफ कट किया, यहाँ पर राइट लेग से बोल बनाने की कोशिश बहुत ही बढ़िया इस बार मौका है। अच्छा स्कोर पांच लोग से लगाया गया स्कोर फाइनल मुकाबला चलता रहा और जो भी टीम यहाँ पर जीतेगा वो 50,000 रुपए का इनाम उसे दिया जाएगा, जो भी रनर्सअप होगा उन्हें 30,000 रुपए का। बहुत ही बढ़िया खराब फुटबॉल दिखाते हुए बॉल को आगे निकालने की कोशिश बहुत ही बढ़िया, लेकिन उतनी जदोजहद करते हुए यहाँ पे राहुल कलाची की जो डिफेंडर थे चंदन नेशनल लाइव बॉल डे अच्छे है थाने है जो बॉल डे अच्छे है नहीं कोशिश कर रहा है बॉल डे अनुभव तरह हो जी है थाने हो जी बॉल डे है लाइनमैन ने अच्छी तारीफ ले ली। इस बार अच्छी प्लेयर जाते हुए फिर राहुल के लिए अच्छी जो डिफेंडर है उन्हीं की तरफ से इस बार बहुत बनाने की कोशिश हुई संभव कर अच्छी रेड पेन से और बहुत ही बढ़िया था प्रशांत देवास ने अच्छा प्रयास किया था इसी आगे का हाथ सुनाएंगे मेरे साथी कमेंटेटर श्रीमान राजू, क्योंकि ओडिया में आपको कमेंट्री सुनाएंगे बोलते
मुख्य अतिथि अपन एनटीवी देखे सबको ब्लॉक चेयरमैन का प्रतिनिधि सॉरी बिंका ब्लॉक चेयरमैन प्रतिनिधि अशोक दादा आज मंच रे आभार नमस्कार सुंदर सुंदर हमारे सुंदर बंधु आज देखी आसीच कहने किसी तुम कमेटी कह कहे और मुई भी ये अंचल जे नुआ छुआ थी नारपुर सुंदर भाव लाल बल कहीं से बल आपको बोलते सुंदर पासिंग मीडिया से बल अच्छे लाल बल सुंदर पासिंग लाल बल सुंदर पासिंग अच्छे आपको किसी की है और करते हुए यहाँ पर
कॉर्नर कंसीड करते हुए वही यहाँ पर एक अच्छी शेप पीस मिलने का एक मौका है यहाँ पर चंद्रपुर एफसी के पास। अनुभव की कोई कमी नहीं तो देखना दिलचस्प होगा इन मौके को किस तरह से घुमाता है चंद्रपुर एफसी। बहुत ही बढ़िया नियर पर डाला हुआ अच्छा क्रॉस था लेकिन उछल कर यहाँ पर इस क्रॉस को लपक लिया। राहुल चंद्र एफसी की जो खिलाड़ी थे गोल कीपर थे एक लंबी थ्रो बॉल डाली थी घमासान मुकाबला चलता हुआ दूसरा हाफ यहाँ पर संबलपुर एफसी और राउरकेला एफसी के बीच बहुत ही बढ़िया अजय भैया संबलपुर बहुत ही गर्मी धीरे धीरे मैच में बढ़ता हुआ क्योंकि ये दूसरा हाफ चल रहा है। दोनों टीमों के यही प्रयास है कि गोल के जरिए यहाँ पर एक मौका है संबलपुर एफसी के पास गोल कीपर आगे आकर निकल एफसी वही दूसरा मौका सेकेंड हाफ में संबलपुर एफसी के पास नियर पोस्ट पे डाला हुआ एक अंदर अभी बहुत एक मौका संबलपुर एफसी के पास एक अच्छा प्रयास तारीफ करनी होगी इसको जितने कराते ऊंचे कद के गोल कीपर है जिसकी एक एडवांटेज रहती है लेकिन डाला गया था ये अभी भी खतरा डाला नहीं संबलपुर के खिलाड़ी लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन के तहत यहाँ पर अच्छा क्लियरेंस लाया है यहाँ पे जो संबलपुर थोड़ी सी गर्मी पड़ती हुई इस फाइनल मुकाबले में दूसरे हाफ चलता हुआ प्रधान पालिकी इस मैदान पर और जो भी टीम जीतेगा वो 50,000 रुपए का इनाम किया जाएगा उनको जबकि रनर्स अप को 30,000 का और जो एलिमिनेट होने उन्हें 10,000 खेलते हुए यहाँ पे राहुल कला एफसी आगे बढ़ते हुए इस बार बाएं फ्लैंक से अंदर की तरफ कट किया वहां पर लेकिन हेडिंग के जरिए यहाँ पे क्लियरेंस आते हुए फिर एक बार मौका बनाने के कोशिश वहां पे खिलाड़ी मौजूद जैसे नंबर 3 के पास बार लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन के तहत फिर एक बार यहाँ पर क्लियरेंस आता हुआ जिनके मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ काफी अनुभवी खिलाड़ी है दोनों टीमों में तो दोनों प्रधान पालिक के मैदान में लाइट वाला है हालांकि थोड़ी सी लाइट की कमी हो सकती है लेकिन फिलहाल अभी दूसरा हाथ चलता हुआ राउरकेला एफसी और संबलपुर एफसी के बीच एक अच्छा क्रॉस डालने की कोशिश डिफ्लेक्शन के चलते वहां पे आसानी हुई गोलकीपर को बॉल को कलेक्ट करने में और संबलपुर एफसी फिर एक बार मौका बनाने की कोशिश इस बार अच्छा ब्लॉक आया लेकिन सहारा करना चाहूंगा जिसकी मैं सहारा जिसके ग्राहक की काफी अनुभवी खिलाड़ी है दोनों टीमों में तजुर्बे की कोई कमी नहीं एक दूसरे की कमी जानते हैं क्योंकि काफी बार एक दूसरे के साथ भिड़ चुके हैं इससे पहले भी कई मैदान में इसकी चर्चे पूरी तरह से बांध कर रखा है इससे एक बार प्रशांत ओराम ने कोशिश की है अच्छा प्रयास किया था इस बार राइट लाइन से मूव बनाने की कोशिश की थी फिर एक बार प्रशांत कुछ पल ही बचे हुए हैं इस दूसरे पल का इस दूसरे हाफ का आज पेनल्टी शूटआउट के जरिए ही ये दोनों टीम फाइनल में प्रवेश किए हैं तो फाइनल का नतीजा क्या होगा ये देखने ये तो वक्त ही बताएगा। यहाँ पर खमासान मुकाबला चलता हुआ अच्छा ट्रैकल वहाँ पर एक दूसरे पर बहुत ही अच्छा ट्रैकल करते हुए यहाँ पर संबलपुर की खिलाड़ी बॉल को आगे लेते हुए आगे डाला वहां पर लेकिन काफी आगे निकल आए थे यहाँ पर गोल कीपर राहुल केला एफसी की काफी कोशिश के साथ यहाँ पर बॉल को कलेक्ट किया कोई परेशानी नहीं वहां पे प्रशांत दौरा कोशिश कर रहे हैं बॉल को गोल पोस्ट में दागने की टारगेट पे रखने की लेकिन उनको कोई ढिलाई नहीं दे रही यहाँ पे राहुल केला एफसी की फेर पर मौका है यहाँ पर जैसे नंबर 4 बॉल के साथ आगे बढ़ते हुए तेजी के साथ जैसे राइट फ्रेंड तक जैसे नंबर 14 प्रशांत दौरा को ढूंढते हुए वहां पर लेकिन प्रशांत दौरा थोड़ी सी आगे चले गए थे जिसकी चाहते उस शॉट को ले नहीं पाए फिर अगर मौका बनाने की कोशिश दोषी नंबर 14 हो गए साथ इस बार राइट फ्लैग जाते हैं तो हरी रोशनी और प्यारी अंतर रहा लेकिन उतनी एक्यूरेसी से वो हेडर नहीं आया जिसकी
भी कहते वो गोल में तब्दील नहीं कर पाए, फिर एक बार मौका बनाने की कोशिश, और लेकिन यहाँ पर दो खिलाड़ी जद्दोजहद करते हुए फिर एक बार इंटरसेप्शन करते हुए बॉल को छीना, लेकिन उतनी ही अच्छी तरीके से यहाँ पर फिर इस बार राहुल के लिए मौत बनाने की कोशिश, बाया फ्लैंक से दक्षिण नंबर 11 के पास बॉल, लेकिन सही समय पर यहाँ पर ये गियर रेंज आता हुआ यहाँ पे प्रशांत दौरा ने एक अच्छा प्रयास किया था, लेकिन अच्छी सेफ्टी के लिए और पहली बार यहाँ पर कॉर्नर कंसीड की है संबलपुर एफसी, तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या फायदा उठा पाता है या फिर नहीं, लेकिन शॉट कॉर्नर लिया यहाँ पर फिर बार अंदर की तरफ रखे थे बॉल को, लेकिन अच्छी इंटरसेप्शन के तहत यहाँ पर क्लियरेंस आता हुआ, फाउल का इशारा भाई फुटबॉल मान्यता प्राप्त खिलाड़ी अभी मैदान पे उतरेंगे, तो देखना जिस तरह हुआ किस तरह के प्रभाव डालते हैं अपनी टीम के लिए, जर्सी नंबर 5 अभी भी उतरे हैं, ये दूसरा हाथ करता हुआ इस ग्रांड फिनाले का एक बार मौका बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पर संबलपुर एफसी, लेकिन इस मौके को नाकाम करने के मूड में है यहाँ पर राहुल कला एफसी की जो डिफेंडर है, अच्छा प्रयास किया था लेकिन सीधे गोल कीपर के हाथों पर, कोई खतरा नहीं कोई नुकसान नहीं राहुल गलाक्सी को, ये दूसरा हाथ चलता हुआ यहाँ पर बस कुछ ही मिलते ही बचे हुए इस दूसरे हाथ का, तो किस तरह या फिर गोल दाग के दाग पाएगी राहुल के एफसी के खिलाफ, हेड बॉल का इशारा किया गया है वहां पे, सभी फुटबॉल प्रेमी यहाँ पर काफी गहराई से इस मुकाबले को देख रहे हैं और यही सोच रहे हैं कि क्या होता हुआ, लाइट की कमी हो सकती है यहाँ पे, एक मौका है यहाँ पर संबलपुर एफसी के पास वहां पर, लेकिन दो खिलाड़ी उनके पीछे कटे किया, इस बार बाएं फ्लैंक से बॉल बनाने की कोशिश कर रहा है संबलपुर एफसी, अभी भी बॉल मैदान के अंदर बहुत ही अच्छा ट्रैकर वहां पर देखने को मिल रही है, दूसरा और जो दो टीम पेनल्टी शूटआउट के जरिए ही यहां पर पहुंचे हैं इस फाइनल मुकाबले में, और यहां पर एक दिलचस्प घमासान मुकाबला चलता हुआ, दूसरे हाथ की बस कुछ ही क्षण बचे हुए हैं यहाँ पे, कोई भी टीम अभी भी गोल कंसीड नहीं किया, अगर यहाँ पर ये लेवल हो जाता तो फिर कोई भी टीम गोल कंसीड नहीं कर रहा था, फिर पेनल्टी शूट आउट, दूसरा हाथ है एक मौका है नंबर याद रखिए, 1200 रुपए का इनाम उनके नाम, और शानदार सही समय पे ये गोल आया है, अंतिम समय पे ये गोल और ये पदक मिली है संबलपुर एफसी को, और जवाब पूरी तरह से अब राउरकेला एफसी के ऊपर, दूसरा हाथ चलता है, ये कुछ समय ही बचे हुए इस बार तो राउरकेला एफसी कोशिश कर रहे हैं बराबरी करने का, गेम को गेम में वापसी करने का, और एक हेडिंग के जरिए यहां पे क्लियर हो जाता है, फिर एक बार यहां पर लड़ते हुए अच्छी टैकल के साथ फिर एक बार मौका बनाने की कोशिश है, लेकिन गोल कीपर काफी आगे निकले जिसकी चलते एक सुर की बढ़त के साथ यहां पर संबलपुर एफसी चल रहा है, और
इसी के साथ ये फाइनल हुई थी यानी के इस आठवां प्रधान फुटबॉल टूर्नामेंट।